कटमे डैम के सभी 19 गेट खोले गए। रिहायशी इलाका सैलाब में डूबा। चंबल नदी के करीब बनी कॉलोनियों में जबरदस्त जल भरा। कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू मिशन में जुटी। एक घर में फंसे दो मासूमों को किया गया रेस्क्यू। बारा में सैलाब का टूटा कहर। पुल पर बहता दरिया पार करते वक्त एक शख्स अपने दो बच्चों के साथ बह गया, लेकिन कुछ जाबाज लोगों ने दरिया में छलांग लगाकर तीनों को बचा लिया। बारा में सैलाब का दिखा हैरान करने वाला मंजर। एक घर के भीतर से बहती नजर आई जलधारा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सैलाब का कहर। 20 घंटे 8 इंच से भी ज्यादा बारिश से आई मुसीबत। रिहायशी इलाके में जलभराव। घर और दुकानों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का असर। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का जलस्तर 138 मीटर तक पहुंचा। मध्य प्रदेश की बारिश की वजह से बांध में रहा है 7,48,000 क्यूसेक पानी। खोल दिए गए हैं 23 गेट। 17 सितंबर को केवड़िया आएंगे पीएम मोदी। नर्मदा पूजन का कार्यक्रम। प्रयागराज में गंगा यमुना का बड़ा जलस्तर। निचले इलाकों में बने कई मकानों में घुसा बाढ़ का पानी। मकान छोड़कर जाने पर मजबूर हुए लोग। कुछ लोगों ने छत पर बनाया बसेरा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत। करीब 70 से अधिक दुकानें और गुमटियां पानी में डूबे। लगातार पानी की वजह से नेवल नदी भयंकर उफान पर। मोहनपुरा डैम के 12 गेट खोले गए। 3 दिन से हो रही है लगातार बारिश। मातनिया गांव में ग्रामीणों के पास खाने का आटा तक नहीं बचा। बीमार गांव वालों को देखने के लिए नाव से पहुंची डॉक्टरों की टीम। गांव में 25 लोग थे बीमार। आगर मालवा में 24 घंटे में 10 इंच बरसात। मंदिर के परिसर में भरा पानी। वेस्टर्न रेलवे ने किया ट्वीट। रतलाम मंडल के मंदसौर और दलौदा स्टेशनों के बीच पानी भरने की वजह से ट्रेनें रद्द। लगातार मंदसौर में बड़ी मुसीबत। बाढ़ में घिरे लोगों का नाव से रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के रायसेन में चारों तरफ पानी। भोपाल जबलपुर NH12 बंद। 15 दिनों से विदिशा से संपर्क। बड़वानी में 2 प्रभावित लोगों ने लगाया जाम। सरकार से मुआवजे की मांग। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी में बह गया कंटेनर। कंटेनर पर बैठे 6 लोगों को नाव की मदद से बचाया गया। ह्यूस्टन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं ट्रंप। 21 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे मोदी। 23 सितंबर को ह्यूस्टन में होगा हाउडी मोदी कार्यक्रम। पीएम मोदी 50,000 भारतीयों के बीच करेंगे रैली। सूत्रों के मुताबिक ह्यूस्टन में ट्रंप मोदी की मुलाकात पर कई कारोबारी समझौते की संभावना। शरद पवार को भाई पाकिस्तान की आवभगत। कहा पाकिस्तान में जाने पर मुझे मिला था जबरदस्त सम्मान। शरद पवार ने कहा भारतीयों को रिश्तेदार की तरह मानते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ की सख्त चेतावनी। कहा बंद करो आतंकवाद वरना हो जाओगे टुकड़े टुकड़े। और ऐसी ही राजनीति का सिलसिला चलता रहा पाकिस्तान में। बहनों भाइयों, इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोल नहीं करती है। सूरत में सैनिकों के परिवार के सम्मान समारोह में शामिल थे राजनाथ सिंह। कहा अनुच्छेद 370 हटाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने कहा भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और रहेंगे। यहां धर्म और जाति का भेद नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा अपने लोगों को LOC पार नहीं करने की सलाह देकर इमरान ने ठीक किया। जो इधर आएंगे वो लौट नहीं पाएंगे। दक्षिण कश्मीर में सेना का जबरदस्त सर्च ऑपरेशन। स्थानीय लोगों के साथ की मुलाकात। आज तक की टीम पहुंची दक्षिण कश्मीर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद के हालात का लिया जायजा। आतंकियों ने सेब के बागीचों में लगाई आग। लोगों को डराने की साजिश। शोपिया में बाजार जा रहे 70 कार्टन सेब में लगाई गई आग। कारोबारियों के साथ मजदूरों को भी धमकी। शोपिया के एक गांव में पंचायत भवन को लगाई गई आग। लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश। रजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में LOC पर पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह। जवानों से बात कर बढ़ाया हौसला। नॉर्दर्न कमांड के JOC रणवीर सिंह का साफ निर्देश। पाकिस्तान की हर हिमाकत पर करो जोरदार प्रहार। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में पाक सेना के खिलाफ विद्रोह। गुस्साए लोगों ने पाक सैनिक को पीट पीट कर मारा।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बोले विकास को देखकर पीओके के लोग भी भारत में चाहेंगे मिलना। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठा सकता है पाकिस्तान, विदेश मंत्री शाह कुरैशी का बयान। लक्की हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया 20,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान, बनाया जाएगा स्ट्रेस फंड। आम्रपाली के निवेशकों को इसका नहीं होगा फायदा, नॉन एनपीए और नॉन एनसीएलटी प्रोजेक्ट को ही स्ट्रेस फंड से मिलेगी मदद। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, अगले साल मार्च में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र में उठाए गए कदमों से क्रेडिट फ्लो बढ़ा है, देश में बिजनेस करना और आसान होने का भी दिया हवाला। निर्मला सीतारमन ने दोहराई पीएम मोदी की बात, कहा 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य। यूपी के मथुरा में कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह में हंगामा, हेमा मालिनी के हाथों प्रशस्ति पत्र लेने की होड़। महाजन देश यात्रा पर निकले फडणवीस ने शरद पवार और अजीत पवार को बनाया निशाना, कहा बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हां भतीजा। पुणे में फडणवीस का भव्य स्वागत, विधायक योगेश टिलेकर ने 270 किलो फूलों से बनवाई माला। महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं करने के विरोध में तृप्ति देसाई ने बोतलों के हार के साथ किया प्रदर्शन, पुलिस ने लिया हिरासत में। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, फडणवीस की रैली का विरोध। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम के बयान पर बड़ा बवाल, हिंदू देवता पर टिप्पणी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 दिन में मांगा जवाब। डॉक्टर विक्रम ने सोशल मीडिया पर मॉब लिंचिंग का बताया खतरा, छुट्टी लेकर शहर से बाहर निकले। यूपी के एटा में बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप और उनके बेटे की दबंग गए, प्रधान और उनकी पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। मनरेगा के तहत बन रही सड़क पर विधायक जी जेसीबी से करा रहे थे काम, पिटाई के बाद प्रधान के खिलाफ कराया केस, प्रधान की एफआईआर दर्ज नहीं। तेलंगाना के सीएम केसीआर के कुत्ते की मौत, इलाज कर रहे डॉक्टर पर किया केस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जेल में बंद निर्दोषों की रिहाई की मांग, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। गांव वालों के मुताबिक 830 निर्दोष लोग जेलों में बंद है, कांग्रेस सरकार पर जीत के बाद मुकरने का आरोप। मध्य प्रदेश के बीएसपी विधायक राम भाई सिंह का प्राइवेट क्लिनिक पर हल्ला, बोल सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पुष्पेंद्र त्रिपाठी की नियुक्ति। राम भाई सिंह ने अधिकारियों को बुलाकर सील कराया क्लिनिक, सब कराई दवाइयां। बिहार के हाजीपुर में लेन देन के विवाद पर बवाल, दबंगों ने घर पर किया पथराव, परिवार से मारपीट का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी, प्रशासन ने आसपास के इलाकों में जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बेतवा नदी में उफान से टापू में बदला सिंहपुरा गांव, बाढ़ में फंसे 13 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हल्द्वानी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से काली सिंध नदी में उफान, रिहायशी इलाकों तक भरा पानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पानी के बीच टापू पर फंसे 10 लोग, एसडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को निकाला। दिल्ली के शादर थाने के गेट पर लगी बाइक चोरी, 2 थानों के सीमा विवाद में फंसा मामला। दिल्ली के गांधीनगर में ट्रांसपोर्टर की आंख में धूल झोंककर चंद सेकेंड में चुरा ले उड़ा मोबाइल, सीसीटीवी में खुलासा। यूपी के मैनपुरी में खेतों की रखवाली कर रहे किसान की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का प्रदर्शन, छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में वापस ले जाने का विरोध। आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग पर परिवार के एतराज पर मामला पहुंचा थाने, पंचायत के बाद कराई शादी। असम के कोकराझार में 2 आदिवासी उग्रवादी गिरफ्तार, एक सीरीज की राइफल, 2 AK मैगजीन बरामद। दिल्ली के द्वारका में जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार, हत्या लूट चोरी के 6 मामले। हिमाचल के किन्नौर में रेत माफिया के साथ अनबन के बाद से युवक लापता, लोगों ने विरोध में किया जाम, सीबीआई जांच में मांग। यूपी के मेरठ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अधीक्षक की ईंट से पीटकर हत्या, 3 बाइक पर आए थे हमलावर। ग्रेटनाडा में भारत पेट्रोलियम के टैंकर्स में तेल चोरी का वीडियो वायरल, वीडियो पर आने वाले शख्स को तेल माफिया की धमकी। यूपी के शाहजहांपुर में पानी में तैरता मिला टाइगर का शव, वन विभाग ने जताई हादसे की आशंका।
रिटनाडा के दादरी में चेकिंग करने गई बिजली विभाग की टीम से मारपीट, लोगों ने कर्मचारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सिलीगुड़ी में पुलिस का सराहनीय कदम, 8 महीने पहले चोरी हुए लाखों के गहनों को बरामद किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, पैंगोलिन की खाल के साथ झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार। यूपी के भदोही से 30 लाख की कीमत की 870 पेटी अवैध शराब बरामद, बिहार भेजने के लिए रखी गई थी शराब। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगातार बारिश से आफत, प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने का दिया आदेश। एमपी के झाबुआ में सैलाब में बह गई 2 गाय, ओवरफ्लो पुल पर पानी के तेज बहाव के बीच नदी पार कर रही थी गाय। राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, हाईवे पर भी भरा पानी। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से महज कुछ इंच नीचे बह रही नदी। राजस्थान के बाड़मेर में नदी में तैरने गए पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की मौत, बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। रायपुर के 13 साल की काव्या के पास अनोखी प्रतिभा, दोनों हाथों से लिख सकती है एक साथ। बिहार के दरभंगा स्टेशन पर हिंदी अंग्रेजी के साथ मैथिली भाषा में उद्घोषण, स्थानीय लोग बेहद खुश। यात्री लोकन कृपया ध्यान दे जाओ, गाड़ी संख्या 75229, सवारी गाड़ी जे दरभंगा जंक्शन से चल कर सीतामढ़ी के रास्ता होत रक्सौल तक जाय छे। यूपी के महाराजगंज में चालान का अजीब चक्कर, बस ड्राइवर को हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना, पुलिस ने कहा हो गई होगी गलती। यूपी के हापुड़ में डिग्री कॉलेज में निकला काला नाग, छात्रों में भगदड़। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में पहला T20, विराट कोहली मिशन वर्ल्ड कप के लिए युवाओं के पास बेहतर मौका। धर्मशाला में कल दोपहर बारिश से बड़ी चिंता, लेकिन आज मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान, शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। दक्षिण अफ्रीका के सहायक बैटिंग कोच लांस क्लूजनर ने कहा टीम इंडिया के नवोदित गेंदबाजों पर बनाएंगे दबाव। धोनी की तस्वीर ट्वीट करने पर विराट ने भी सफाई कहा, घटना से मिला सबक, बगैर किसी इरादे से किया था ट्वीट। विराट के ट्वीट के बाद धोनी के संन्यास को लेकर शुरू हुई थी अटकलें, कोहली ने कहा ये धोनी पर है कि वो कब तक खेलते हैं। टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारी, शहर में लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर न्यूजर्सी में विशेष तैयारी, 12 नवंबर को होगा भव्य कार्यक्रम। इसराइल की ओर से खुद की जासूसी की खबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया खारिज, कहा इसराइल मेरी जासूसी नहीं करवा रहा है। राष्ट्रपति अब्दुल अजीज के खिलाफ अल्जीरिया की राजधानी में प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मारा गया ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन, व्हाइट हाउस ने किया ऐलान। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।